हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सर, आपका पीके इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग द इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे टू मेक इन्फिनिटिव एट टू बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका मतलब होता है कि जो आपका मुख्य क्रिया होता है वह जब फर्स्ट फॉर्म में हो उसके पहले अगर हम टू लगा देते हैं तो इन्फिनिटिव का निर्माण होता है। हिंदी अर्थ में आपका ना, ने, नी देता है। हिंदी में इसका अर्थ ना, ने, नी निकल के आता है। एग्जाम्पल देखें, टू ओबे द ट्रैफिक लाइट इज आवर ड्यूटी। दे वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, इट इज अबाउट टू रेन। यहां पर आप देखेंगे टू ओबे, टू प्ले, टू रेन, ये इन्फिनिटिव्स हैं। और जब आप अर्थ निकालेंगे तो यह ना, ने, नी का अर्थ देता है। टू ओबे द ट्रैफिक लाइट लाइट्स इज आवर ड्यूटी। ट्रैफिक लाइट्स का पालन करना हमारा कर्तव्य है। वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। इट इज अबाउट टू रेन, वर्षा होने वाली है। तो आप पाते हैं कि इसमें नाने नी का अर्थ निकलता है। इन्फिनिटिव ऑलवेज वर्क्स एज अ नाउन। इन्फिनिटिव हमेशा नाउन के रूप में या नाउन की तरह काम करता। काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव, पहला है सिंपल इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के प्रकार को अगर हम देखते हैं तो पहला हम पाते हैं कि सिंपल इन्फिनिटिव, दैट इन्फिनिटिव विच वर्क्स एज अ नाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सिंपल इन्फिनिटिव। ऐसा नाउन, ऐसा इन्फिनिटिव जो नाउन की तरह सेंटेंस में काम करता हो उसी को ही हम सिंपल इन्फिनिटिव कहते हैं। क्योंकि नाउन की तरह काम करता है इसलिए इट इज आल्सो कॉल्ड नाउन इन्फिनिटिव। इसलिए इसको नाउन इन्फिनिटिव की तरह या नाउन इन्फिनिटिव भी बोला जाता है। सिंपल इन्फिनिटिव वे होते हैं जो वाक्य में नाउन की तरह काम करते हैं उसे सिंपल इन्फिनिटिव कहते हैं। नाउन की तरह काम करने के कारण इनको नाउन इन्फिनिटिव भी बोला जाता है। जैसे टू स्पीक ट्रूथ इज नॉट इजी, सत्य बोलना आसान नहीं है। तो यहाँ पर टू स्पीक जो है सिंपल इन्फिनिटिव है जो कि नाउन का काम कर रहा है। टू राइट अ लेटर इज वेरी सिंपल, पत्र लिखना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर टू राइट जो है सिंपल इन्फिनिटिव है और यहाँ पर नाउन का काम कर रहा। यहाँ पर हम सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग देखेंगे। सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला है सब्जेक्ट टू द वर्ब। सिंपल इन्फिनिटिव जो होता है सब्जेक्ट टू द वर्ब की तरह काम करता है। सब्जेक्ट टू द वर्ब की तरह काम करता है। एग्जाम्पल देखें, टू अर इज ह्यूमन, टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। यहां पर देखिए इस सेंटेंस में आप पाएंगे कि यह जो है किसकी तरह काम कर रहा है, यह वर्ब की भात भी काम कर रहा है। टू अर इज ह्यूमन, यहां पर नाउन होते हुए भी यह वर्ब की भात काम कर रहा है। इसलिए इसको सब्जेक्ट टू द वर्ब की तरह हम बोल सकते हैं। और दूसरा देखिए, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ऐसा सिंपल इन्फिनिटिव, ऐसा सिंपल इन्फिनिटिव जो वर्ब के साथ साथ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की तरह काम करे। ऐसा सिंपल इन्फिनिटिव जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे उसे ऑब्जेक्ट टू द वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, दे विज्ड टू सी द ताजमहल। यहां पर देखिए टू सी द ताजमहल,
ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरफ जाकर के काम कर रहा है, इसलिए इसके ऑब्जेक्ट टू द वर्ब कहते हैं। दूसरा सेंटेंस देखें, ही प्रोमिस टू हेल्प मी, टू हेल्प मी। अब यहाँ पर टू हेल्प क्या है, सिंपल इन्फिनिटिव है, और मी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ मिल करके या ऑब्जेक्ट की तरफ काम कर रहा है, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट टू द वर्क का प्रयोग कहते हैं। फिर देखें कंप्लीमेंट टू द वर्ब, कुछ ऐसे सिंपल इन्फिनिटिव होते हैं जो वर्ब में कंप्लीमेंट पूरक का काम करते हैं, कंप्लीमेंट का काम करते हैं, पूरक का काम करते हैं, तो कंप्लीमेंट टू द वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे टू सी इज टू बिलीव, टू सी इज टू बिलीव, यहाँ टू सी का पूरक क्या है, टू बिलीव, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कंप्लीमेंट टू द वर्ब है। माई ग्रेटेस्ट ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर, यहाँ देखिए टू बिकम के बाद क्या है, डॉक्टर, तो उनका कंप्लीमेंट क्या है, एक डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना उनका कंप्लीमेंट है, इसलिए यह जो है कंप्लीमेंट टू द वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर टू सी इज टू बिलीव, देखने में ही विश्वास करना है, तो यह जो है टू सी का कंप्लीमेंट क्या है, बिलीव है, ठीक। उसी प्रकार से ड्रीम का कंप्लीमेंट क्या है, डॉक्टर होना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारा सिंपल इन्फिनिटिव होता है वह कंप्लीमेंट टू द वर्ब की भांति भी काम करता है। चौथा देखें ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, ही हैज नो अदर वे बट टू सरेंडर, ही हैज नो अदर वे बट टू सरेंडर। यहां पर देखिए बट यहां पर बट टू सरेंडर, बट टू सरेंडर, यहां पर देखिए टू सरेंडर क्या है, आपका इन्फिनिटिव है, सिंपल इन्फिनिटिव है, और उसके पहले क्या आया है, प्रीपोजिशन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन की भांति जो है सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। सी वाज अबाउट टू डांस, यहाँ पर देखें अबाउट टू डांस, यहाँ पर अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है, टू डांस क्या है, आपका सिंपल इन्फिनिटिव है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो है इस वाक्य में, इस एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन के रूप में सिंपल इन्फिनिटिव कार्य कर रहा है। पांचवा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, आई सा हर डांस, आई सा हर डांस, ही मेड मी रन। यहां पर आप देखेंगे आई सा हर डांस, यहां पर आई सा हर डांस, ही मेड मी रन, यहां पर डांस और रन क्या है आपका, ये सिंपल इन्फिनिटिव है, इसमें टू गायब है, टू गायब है, लेकिन इन्फिनिटिव का काम हो रहा है, और इसमें कंप्लीमेंट दिया जा रहा है, क्या, देखना, ठीक है, मेड बनाना, देखना, ये सब कंप्लीमेंट दिया जा रहा है, और क्या हो रहा है, डांस हो रहा है, रन हो रहा है, तो ये इन्फिनिटिव है, लेकिन इनके पहले टू का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इस वाक्य में ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। छठा है केस इन अपोजिशन विथ इट, केस इन अपोजिशन विथ इट, इट इज इम्पॉसिबल टू विदाउट ऑक्सीजन, इट इज इम्पॉसिबल टू डाई विदाउट ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन का डाइव करना असंभव है। तो यहाँ पर देखिए अपोजिशन जोड़ा गया है, केस इन अपोजिशन, डाइव, टू डाइव विदाउट, टू डाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये जो है केस इन अपोजिशन की भात प्रयोग किया गया है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, ठीक है, यहाँ पर जो है केस इन अपोजिशन और इट का प्रयोग करेंगे, विथ इट, इट, अगर आप इसको ऐसा कहेंगे टू डाई विदाउट ऑक्सीजन इट इज़ इम्पॉसिबल, टू डाई विदाउट ऑक्सीजन इज इम्पॉसिबल तब भी सही है, टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग इज आवर ड्यूटी तब भी सही है, लेकिन यहाँ पर केस इन अपोजिशन विथ इट के साथ प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपने देखा यूज ऑफ सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है, और जो इन्फिनिटिव का दूसरा भाग है उसको हम दूसरे वीडियो में डालेंगे। तो ये इन्फिनिटिव का काइंड्स, इन्फिनिटिव की व्याख्या,
सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसा है, किस प्रकार लगा, जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।